मुल्तानी फेमिना जहां, फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। केंद्र के तीन कृषि कानून की खिलाफत करते हुए आज आहूत भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। यूपी के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई में भी कामोश सभी जगह भारी जाम लगा है। गाड़ियों की लंबी कतार हर जगह दिखी जा रही है। सुबह से शुरू यह बंद दोपहर बाद 4 बजे तक जारी रहेगा। जाम में फंसे लोग इसके बाद भी कब तक परेशानी से जूझेंगे कहना मुश्किल है। लाल किले की तरफ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। भाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार अपनी जिद पर 10 साल तक भी टिकी रही तो किसानों का आंदोलन भी 10 साल तक ही चलेगा। सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। उधर यूपी की मेरठ कमिश्नरी पर भी शाम से ही किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। किसानों ने कमिश्नरी पार्क में खाना पानी के साथ अपना डेरा डाल दिया है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ ने भी आज बंद के समर्थन में नारेबाजी कर जुलूस निकाला। किसान आंदोलन को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने लाल किले के दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया है। छत्ता रेल और सुभाष मार्ग दोनों साइड से बंद कर दिए गए हैं। कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रकों की लंबी लाइन कतार लगी हुई है। इन लोगों को सुबह से ही यहां रोक दिया गया था। दिल्ली के अक्षरधाम पर गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले एक रास्ते पर ट्रैफिक रिंगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीच की लेन को एहतियातन बंद कर दिया गया है। भारत बंद का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी दिख रहा है। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हाईवे से मुंबई, ठाणे, नई मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से जुड़ी कई ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान ए पंजाब सुबह 6:40 पर रद्द हो गई। नई दिल्ली मोगा एक्सप्रेस भी सुबह 7 बजे रद्द हो गई। पुरानी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस भी रद्द हो गई। दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली से सुबह 6 बजे चली, लेकिन पानीपत स्टेशन पर खड़ी है। नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी और नई दिल्ली कालका शताब्दी भी रद्द कर दी गई हैं। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया है। बंद का असर पंजाब व हरियाणा में भी साफ नजर आ रहा है। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। हमारा कहना ये है, सरकार को हम चेता रहे हैं बार बार, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ पड़ गए, चाहे जगह जगह छोटे मोटे ज्ञापन देगा। हमारा उद्देश्य ये है कि ये देश बचा रहे, ये आम आदमी बचा रहे, ये जो नौकरी पैसा ये बचा रहा है, ये पूरे देश को बेचने की कसम खा ली है। पता नहीं एक और ये कह रहे हैं, अब हम ये कह कर आए थे कि हम इस देश को दोबारा से राम राज करेंगे, पर इन्होंने हाँ ये हाल कर दिया। अब जो आदमी अपनी जो 2 वक्त का खाना वो भी नहीं खा पा रहा, जो लोग थे नौकरी में वे निकट गए, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, मेरे ख्याल से 2 करोड़ बाहर कर दिए। अब जो संस्थान बंद होने लग रहे हैं, ये किसान यूनियन का आंदोलन थी, इस देश के कमेरे का लुटेरे की लड़ाई, ये जो पहले बड़े बुड्ढे मारे बालक भगावा कह रहे थे, ये बात है बस, इससे आगे करना कुछ नहीं है। ये जो पैसे देने की बात कर रहे हैं ना, अब मुझे बताओ, मुझे 2000 रुपये मिल जा, मैं 2000 रुपये में मतलब 6 महीने 2000 रुपये में मैं 20 आदमियों का परिवार, मैं उनका जो है जुकाम खांसी ठीक नहीं करवा सकता। मेरा पैसा जो सरकारी मिल पे पड़ा है, सरकारी फैक्ट्री पे पड़ा है, और मैंने जो सरकार से लोन लिया है उस पर मैं ब्याज दे रहा हूँ। अन्याय देख लो, वहाँ मेरा पेमेंट पड़ा है किसानों का, इस पर ही हमारा जो फैक्ट्री है 100 करोड़ रुपया पड़ा, और हम पे जो है लोन चल रहा है, हम मैं ब्याज के हो रहे हैं, नहीं तो हम जेल जाएंगे। तो इस अन्याय के खिलाफ, जो तरह तरह के जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ ये किसान आंदोलन है, और आर पार का भाई। किसान संगठनों ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब समेत हरियाणा में इसका असर देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण कार सरकार को ये पसंद नहीं है, इसलिए आज भारत बंद है। उन्होंने अपनी बात का अंत आई स्टैंड विद फार्मर्स हैशटैग का इस्तेमाल कर किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।